हनुमान, भोजन ग्रहण कर लीजिए, महारानी ने भेजा है आपके लिए। माँ कहती है कि कभी भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, किंतु मैं क्या करूं? मुझे अभी भोजन ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, जब इच्छा हो तब कर लीजिएगा भोजन। धन्यवाद। सखा, अब तुम देखना, हनुमान ध्यान रखेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अनुचित हो। सबको प्रसन्न रखेगा हनुमान। प्रणाम माता। चिरंजीवी भावा, ये देखो, मैं तुम सबके लिए रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिका लाई हूँ। इन्हें धारण करने से बुरी शक्तियां सदैव दूर ही रहती हैं। और ये रक्षा सूत्र किकवी बांधेगी अपने प्रिय भाइयों के हाथों में। ये रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिकाएं कुल गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पूरित करके दी है। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अब वो बचा हुआ रक्षा सूत्र मैं हनुमान को बांध के आती हूँ। हाय हाय हाय, दिखाई नहीं देता तुझे? अरे टांग बूझकर टकरा गई इस बुढ़िया से। रुक, मैं उठाती हूँ। गिरा दिया रक्षा सूत्र। क्षमा करें महारानी, अब क्या कहूं आपसे? असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। मुझ बुढ़िया से तो इस भवन की सभी दासियां चिढ़ती हैं। अब इसे ही देखिए, जानबूझकर टकरा गई मुझसे। मैं तो देखने आई थी कि सभी राजकुमारों को और विशेष रूप से मेरे राम को रक्षा सूत्र बंध गया है कि नहीं। बन गया रक्षा सूत्र। आज्ञा महारानी। मैं हनुमान को ये रक्षा सूत्र बांध के आती हूँ। सूत्र बनवा दिया है उस दुष्ट ऋषि ने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में। अब हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? हमें लंकेश को सब बताना होगा।
वही कोई उपाय निकालेंगे। हमें अमावस्या से पहले राम को लेकर लंका जाना है। पहले मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दिया और अब सुमित्रा माता ये रक्षा सूत्र बांध गई। सखा, क्या प्रभु भी मेरी ही भांति व्याकुल हो रहे होंगे हनुमान के लिए? सखा, प्रभु को तो सारे भाई घेर के बैठे रहते हैं, उन्हें का समय है मुझे स्मरण रखने के लिए। देखो सखा, हनुमान तो बावला हो गया है। हनुमान जागा हुआ है तो भी उसे स्वप्न आ रहे हैं। प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। सखा, मुझे तो अभी भी प्रभु दिख रहे हैं। क्या हुआ मित्र हनुमान? प्रभु आए हैं भक्त के पास, भक्त को नहीं हुआ विश्वास। खुले नेत्र का सपना है क्या, पास में प्रभु अपना है क्या? खोए हनुमत स्वयं भुलाने, राम भगत का मन पहचाने। राम की माया राम ही जाने, भेद कौन इनका अनुमाने। गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। प्रभु आप यहाँ क्यों चले आए? आप मेरे दंड के लिए दुखी मत होइए। हनुमान, दंड तो हमें भी मिला है, तुमसे दूर हो गए हैं। किंतु प्रभु आप यहाँ क्यों आए? यदि आपको यहाँ देखकर कोई आप पर आपत्ति उठाए, ये उचित नहीं होगा। हनुमान, पिताश्री का आदेश तुम्हारे महल में प्रवेश ना करने का था, मेरा यहाँ आने से रोकने का नहीं। अरे वाह, माँ के बनाए हुए लड्डू, इन्हें देखकर तो तिरुशुदा सताने लगी है हनुमान। तो आइए विराजिए। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। हनुमान, प्रभु हनुमान को भी तीव्र क्षुधा सता रही है। राम बिना हनुमान तो बैठो हनुमान, हनुमान बिना श्री राम। लो हनुमान,
महाराज। प्रणाम महारानी जी। पुत्र राम, तुम यहाँ क्यों चले आए? पिताश्री, हनुमान हमारे अतिथि हैं, और आपने ही तो सिखाया था कि अतिथि को वही सुविधा और सत्कार प्रदान करना चाहिए जो हम स्वयं उपभोग करते हैं। बस वही देखने मैं यहाँ चला आया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया राम। माँ, मैं तो ये भी कहना चाहता था कि मेरे अयोध्या से बाहर जाने में हनुमान की भांति ही मैं भी दोषी हूँ। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, हनुमान ने किसी से अनुमति नहीं ली थी ना, और मैं भी बिना किसी की अनुमति के अपने इच्छा से अयोध्या के बाहर गया था, तो मैं भी तो उतना ही दोषी हूँ ना। जहाँ बना है भगत का धाम, वहीं विराज रहे प्रभु राम। छोड़ के आए राज भोग सुख, कैसे देखे राम भगत दुख। भक्त समीप रहे यह भान, अतिथि मान का रखते ध्यान। जैसे एक कोख से जन्म, ऐसे जुड़े हैं राम हनुमान। राम, दोषी ना तो तुम हो और ना ही हनुमान। मैंने इस विषय में कुलगुरु वशिष्ठ, मंत्रियों और सलाहकारों के साथ चर्चा की और उनका निष्कर्ष था कि हनुमान ने कोई अपराध किया ही नहीं। अतः मैं हनुमान को आदेश देता हूं कि अब से हनुमान महल में मेरे पुत्रों की भांति ही रहेंगे। तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है युद्ध की। बताइए तो किससे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं आप मुझे? ये मृतदेह की दुर्गंध है, जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताई थी। कुमार युद्धजीत, ये किससे मिलाने ले आए हैं आप मुझे? अंधरा, मैं तुम्हें यहां लंकापति रावण से मिलवाने लाया हूं। लंकापति रावण? लंकेश। जय लंकेश। क्या हुआ मंथरा? हमें देख कर ही हूं आश्चर्यचकित क्यों हो रही? या मैं तुम्हें दैत्यराज बली की बहन कहूं? महाराज,
तुमने तो मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। आपको शत शत नमन। इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तुम दोनों को अपने हाथ से लड्डू खिलाऊंगी। हनुमान आओ। जी आप ये क्या कह रहे? मंथरा दैत्यराज पली की बहन थी। हाँ मंथरा, तुम्हारा भाई राजा पली जिससे दान में मांग लिया था सर्वस्व, उस छलिया नारायण ने वामन अवतार धारण करके मरण तो है ना? तुम्हारे भाई से तीनों लोक का वैभव छीन कर उसे पाताल लोक में बसने के लिए विवश कर दिया था उस नारायण ने। उस न्याय का प्रतिशोध लेने के लिए तुमने मंथरा के रूप में जन्म लिया है। उस नारायण के नर अवतार का राजपाट छीनने के लिए तुमने ये जन्म लिया है। किंतु मेरे पूर्व जन्म का स्मरण करा के आप मुझसे क्या चाहते हैं लंकेश? मित्रता। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है और वो नारायण मेरा वैरी है। आपका पराक्रम और वीरता की गाथाएं प्रसिद्ध है लंकेश, किंतु जहां बल और छल नहीं चलता वहां चलती है हम जैसों की चतुराई। क्या चाहते हैं आप? एक तुच्छ सा कार्य करना है तुम्हें। ज्येष्ठ दशरथ पुत्र के हाथ का रक्षा कवच तोड़ना होगा तुम्हें। शेष कार्य तो फिर मेरे सेवक पिशाच कर ही लेंगे। और इस कार्य के लिए रावण तुम्हें इतना सोना देगा जिसकी तुमने कल्पना भी ना की। ये भी हो सकता है कि युद्ध जीत को मैं अयोध्या का राजपाट दे दूं, परंतु वो केवल कार्य सफल होने के पश्चात। माता ये तो बड़े ही मधुर लड्डू हैं, जैसे मेरी माँ बनाती है ना लड्डू, बिल्कुल वैसे ही। Thank you.
लंकेश जहां बड़ा होता है वहां सोना तुच्छ होता है। लंकेश, ये मिट्टी के ढेले हैं मेरे लिए। आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य, आपका शत्रु मेरा शत्रु। अब भूत पिशाची मित्र हो गए हैं तो ये रक्षा सूत्र क्यों? आपका कार्य हो जाएगा लंकेश, आज रात्रि में ही मैं दशरथ पुत्र राम का रक्षा सूत्र तोड़ दूंगी। और उसके कक्ष के बाहर जलती हुई मशाल संकेत होगा आपके पिशाचों के लिए। ले जाइएगा राम।